Um, the four years uh, that I did not मतलब दो साल because डेढ़ दो साल तो हम काम ही कर रहे थे साथ में आई uh, have some good parts and have some bad parts like in all our lives because of COVID and मेरे लिए भी वैसा ही था तो एक दो साल मैं काम नहीं किया आई वॉन्टेड टू बी विद द चिल्ड्रेन तो अच्छी बात ये थी कि मैं अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ हुआ फर्स्ट हैंड देख सका <laughs> आर्यन को सुहाना को अब्राम को एंड आई कुड स्पेंड टाइम विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स आ, दूसरी अच्छी बात यह हुई कि मुझे लगा कि मेरी आखिरी फिल्म चली नहीं थी तो लोग कह रहे थे अब मेरी फिल्में चलेंगी नहीं तो मैंने ऑल्टरनेट बिजनेस सोचना शुरू कर दिया मैंने खाना पकाना सीखा कि रेस्टोरेंट खोल लूँगा उसका नाम रखूँगा रेड चिलीज़ फूड ईटरी तो मैंने <laughs> मैंने इटालियन खाना बनाना सीख लिया तो वो अच्छा हो गया अब क्या है कि मैं जब शूटिंग पे जाता हूँ तो सिद्धार्थ ने सिद्धार्थ जो बहुत ही ज़्यादा खाना खाते हैं मैं फिर बताना चाहूँगा उनकी सारी बुराइयाँ आज मैं आपको बता दूंगा मैंने प्रॉमिस किया था इनसे सो so, ये इनको खाना बहुत अच्छा लगता है आफ्टर टेन डेज ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद माई वर्क लेकिन मैंने हर रोज़ इसको पिज्ज़ा खिलाया सेट के ऊपर तो उसने कहा चलो ठीक है बाकी फिल्म मैं इसके साथ कर लूंगा सो so, ये अच्छी बातें हुई आ, बुरी बात में यही है कि घर बैठे रहे आ, अच्छी बात ये भी हुई कि मुझे जब मालूम पड़ा जॉन फिल्म कर रहे हैं मेरे साथ मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया एक हमने एंडोर्समेंट साथ में छोटी सी की थी जॉन इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड वेन आई केम टू मुंबई वी गॉट टू नो इच अदर बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट वर्क टुगेदर एंड हमेशा ऐसा कहा जाता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती बट आई रिक्वेस्टेड हेम सिड रिक्वेस्टेड हेम एंड वॉज वेरी काइंड फिर मैं डर गया कि जॉन के साथ मुझे एक्टिंग करनी है तो बॉडी शॉडी तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत <laughs> तो मैंने वर्कआउट किया जो जॉन ने भी मुझे काफ़ी सिखाया <laughs> हाँ जॉन को तो मैं भी बहुत प्यार करता हूँ दो चार सीन में मैं ऐसे किस भी करने वाला था इतना करीब आ गया था उन्हें <laughs> और मैं बताना चाहूंगा कि जॉन ने भी ट्राई किया ऐसे नहीं एक, एक तरफ़ा मोहब्बत है ये उसने भी ट्राई किया तो हम दोनों की बहुत मोहब्बत है बट इट्स नाइस टू बी बैक मैं जल्दी में कभी नहीं रहता कोई फिल्म ख़त्म करने के लिए क्योंकि मेरा हमेशा ये जेनुइन uh, डिज़ायर है ये सिर्फ एक्टर की तरह नहीं बोल रहा इंटरव्यू में नहीं बोल रहा मेरी जेनुन डिज़ायर ये रहती है कि मैं लोगों को खुशी बांट सकूं और जब मैं उसमें फ़ेल होता हूं किसी को इतना दुख नहीं होता जितना मुझे दुख होता है तो मैं बहुत खुश हूं कि मैं आप लोगों को खुशी बांट सका और uh, उन लोगों के से बांट सका जो मेरे बहुत ही करीब हैं आदित्य uh, चोपड़ा और सिद्धार्थ और जिन्होंने मुझे यह मौका दिया क्योंकि एज़ यू विल नोटिस द फिल्म इज़ अ वेरी बिग फिल्म इट विल बी एन एक्सपेंसिव फिल्म इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग फिल्म बट टू गेट मी एंड गिव मी अ चांस टू कम एट द टाइम वन आई वॉज इन वर्किंग एंड अलाउ मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म आई विल ever एवर बी ग्रेटफुल टू आदित्य चोपड़ा एंड एंड देन पिककोर्स मैं उसको ग्रेटफुल नहीं कहता मोहब्बत कम हो जाती बट आई जस्ट वॉन्ट टू से पार्ट विद फ्रेंड्स एंड एन्जॉय दिस फिल्म मैं वो चार साल भूल गया हूँ पिछले चार दिन के अंदर